एपिसोड में डिस्कस करेंगे IRFC स्टॉक के बारे में। क्यों? क्योंकि आज इस स्टॉक के Q2 के नंबर्स आने हैं, इसको लेकर के ही डिस्कस करेंगे कि रिसेंट के नंबर कैसे रहे और ये रिजल्ट कैसे आने वाले हैं। इस समय इस स्टॉक में देखेंगे तो पिछले 1 ईयर में मोर देन 200% के रिटर्न दिए हैं, और यहाँ देखेंगे कि 20 के लंबे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ और ये ट्रेंड वन साइडेड ट्रेंड दिखा है, और ये रिजल्ट ये जो ट्रेंड है 1 ईयर के ही नहीं 6 मंथ के रिटर्न भी काफी फेवरेबल रहे। पिछले 1 मंथ से स्टॉक एक कंसोलिडेट फॉर्म में दिख रहा है, जहां अपर लेवल 78 और लोअर एवर 70 के आसपास के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो जो नेक्स्ट ट्रेंड दिखता है वो सिंपल देखेंगे तो 78 के ऊपर दिख रहा है, और 70 के नीचे जाएगा तो ये बुल जो ट्रेडर है उनको परेशान करते दिख सकता है। क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे नंबर देखेंगे तो लास्ट जो नंबर्स रहे थे लास्ट क्वार्टर के वो काफी बेहतर रहे थे, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी जो सेल्स हैं वो काफी कंपनी के इम्प्रूव करते दिख रहे हैं। प्रॉफिट में थोड़ा बहुत ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन ट्रेंड इसीलिए दिखा क्योंकि इंटरेस्ट इनकम का काफी डिफरेंस दिख रहा है, और इस क्वार्टर भी एक्सपेक्टेशन है कि काफी बेहतर नंबर कंपनी डिक्लेयर करेगी, साथ में ही डिविडेंड भी आने हैं और एक्सपेक्टेशन है कि 0.8 रुपीज पर शेयर के डिविडेंड मिल सकते हैं, जो कि नियर अराउंड 8% का होता है। डिविडेंड किसको मिलेगा? जो भी शेयर होल्डर 10 नवंबर से पहले इस स्टॉक को होल्ड करते हैं वो एलिजिबल होंगे इस स्टॉक के डिविडेंड को लेकर के। पिछले 3 मंथ से स्टॉक एक जोन में ही कंसोलिडेट कर रहा है, जबकि डिलीवरी इस स्टॉक की काफी बेहतर दिख रही है। अब इस स्टॉक के चार्ट को देखेंगे, और मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बेटर रिजल्ट इस स्टॉक के, क्योंकि ये जिस कंपनी को लेंड करती है, जिसको पैसा देती है, या फिर रेलवे के जो एसेट्स बेचती है उसके मल्टीपल ऑर्डर हमने देखे हैं। रेलटेल, RVNL, इरकॉन जैसे स्टॉक्स में मल्टीपल ऑर्डर आए, इसका डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट बेनिफिशरी IRFC दिखेगा। इस समय जो ट्रेंड दिख रहा है ये लोअर लो लोअर हाई दिख रहा है। आज का रिजल्ट काफी इंपोर्टेंट है। रियल डाउन ट्रेंड इस स्टॉक में 60 के नीचे जाता है तो 52 तक के लेवल्स दिखेंगे, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेडर को 52 के लेवल का वेट करना चाहिए। अपर साइड इस स्टॉक में 80 नियर अराउंड 80 के लेवल का ब्रेकआउट एक बड़ा ट्रेंड दिख सकता है, और जो मेरे पर्सनल एक्सपेक्टेशन है कि रिजल्ट बेटर आएगा और 80 के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक 120 और 200 तक के लेवल्स भी पोटेंशियली नेक्स्ट 1 ईयर में इजिली दिखा सकता है।